हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है एमडी आलमा स्टडी में। स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे टेंस। टेंस के बारे में जानेंगे, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब की पहचान हम लोग कैसे करते हैं। आइए स्टूडेंट, वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए, टेंस टेंस मैंने होता है स्टूडेंट काल। काल कितने प्रकार के होते हैं हम अगले वीडियो में आप लोगों को बताएंगे। तो सबसे पहले आता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता। क्या होता है दोस्तों? कर्ता अर्थात काम करने वाला। जो टेंस में काम करता है उसे क्या कहते हैं? सब्जेक्ट कहते हैं। अब आगे, सब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं। सब्जेक्ट हमारा दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सिंगुलर और एक होता है प्लुरल। सिंगुलर को जिसे केवल एक माना जाता है, जिसे केवल एक माना जाता है उसे सिंगुलर कहते हैं, और प्लुरल जिसे एक से ज्यादा माना जाता है उसे प्लुरल कहते हैं। जैसे अब आ गया सिंगुलर। सिंगुलर सिंगुलर ही सी नेम ई को सिंगुलर कहते हैं। जैसे ही मने वह या उसे, ये केवल बॉय के लिए लगेगा। और सी मने वह या उसे, ये गर्ल के लिए लगेगा। और नेम मने नाम ही होता है, और इक मने यह होता है। अब आया प्लुरल। प्लुरल हो गया हमारा आई मने मैं या मुझे, यू मने तुम या तुम्हें है, दे मने वे या उन्हें। अब क्या आता है, जब हम क्या करते हैं सब्जेक्ट चुन लिए हम, अब उसके बाद आता है हेल्पिंग वर्ब की पहचान। हेल्पिंग वर्ब हमारा बस यही होता है सकता है, सकती है, और क्या करें कर्म मने सकता है या सकती है या सकते हैं, और शुड मने होता है चाहिए। यह हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया। देखिए दोस्तों, जिन वाक्यों के अंत में सकता है, सकती है, सकते हैं आए वहां कर्ण लगेगा। दूसरा नंबर, जिन वाक्यों के लास्ट में चाहिए आए वहां शुड लगेगा। दोस्तों अब क्या आता है हमारा वर्ब आता है। वर्ब वर्ब माने काम या क्रिया होता है। अब क्या कम कम माने आना, ये हमारा वर्ब हो गया। गो स्लीप प्ले वीप रीड रन विल, यानी कम मने आना गो मने जाना, ये आप लोग को पता ही होगा। चलिए, ये हमारा वर्ब हो गया। अब क्या करते हैं, आइए अब इसका एक स्ट्रक्चर होता है। सबसे पहले क्या करेंगे, टेंस बनाने से पहले सब्जेक्ट की पहचान करेंगे और हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद आता है वर्ब, अब उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट। ये हम आप लोग को, कोई कहेगा ये गलती पढ़ा रहे हैं, ये आप लोग को ये अभी नहीं लगेगा, ये हम बेसिक सीख रहे हैं। क्या सीख रहे हैं दोस्तों? बेसिक सीख रहे हैं। अब क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट अगले वीडियो में बताएंगे। जैसे अब हमें बनाना है मैं जा सकता हूँ, तो मैं का मेलिंग हो गया क्या होता है, आई। आई मैंने मैं या मुझे होता है, तो सबसे पहले क्या करेंगे आई। अब सकता है, देखिए दोस्तों, जिन वाक्यों के अंत में सकता है आए वहां कैन लगेगा, तो क्या लगाएंगे हम आई कैन। अब गो मने क्या होता है, गो मने होता है जाना, तो यहां लगा दिए गो। अब तुम्हें जाना चाहिए, तुम्हें का मीनिंग होता है वी। हेलो दोस्तों, तुम्हें वी मने तुम या तुम्हें होता है, तो क्या करेंगे यू जाना चाहिए। चाहिए का अब देखिए, आइए यहाँ पर, जिन वाक्यों के लास्ट में चाहिए आए वहां शुड लगेगा। अब क्या लगाएंगे हम शुड, जाना का होता है गो। अब ये उसे खेलना चाहिए, देखिए उसे खेलना चाहिए, ही मने वो या उसे होता है केवल बॉय के लिए, तो क्या करें उसे खेलना चाहिए, उसे हो गया ही खेलना चाहिए। और बता दें जिन वाक्यों के लास्ट में चाहिए आया वहां क्या लगेगा, शुड लगेगा, तो ही शुड खेलना का क्या होता है दोस्तों, खेलना का होता है, आप लोगों को बताए थे यहाँ पर खेलना, ठीक है, खेलना के पले मने खेलना होता है, पले मने खेलना। अब इस तरह हम बनाएंगे अगले वीडियो में। आइए
एचडब्ल्यू आप लोग को दे दिए हैं, तुम बोल सकते हैं हम हमें नहाना चाहिए, उसे खेलना चाहिए, सचिन खेल सकता है, मैं नाच सकता हूँ, मुझे नाचना चाहिए। ये आप लोग बनाकर कमेंट में बताइएगा और हम बताएंगे आप लोगों को किसको किसको सही है, या अगले वीडियो में हम क्या करेंगे इसको भी बनाएंगे। चलिए आज के लिए इतने वीडियो पर समाप्त करते हैं और अगले नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे हम नेगेटिव, इसी पर नेगेटिव अफर्मेटिव कैसे बनाते हैं।